हैलो गाइज़, वेलकम कर दिया जी तुहानू सारयां नू शान दे B3 दे विच। की हाल है जी सारयां दा? उम्मीद करने तुसी सारे ठीक ठाक हो गए। अल्लाह पाक दी रहमत ते फजलो करम नाल असीं भी सब ठीक ठाक हाँ। काफ़ी दिनों तो मैं घरेलू व्लॉग अपलोड नहीं सी कर रही, कुछ मसरूफियात की वजह तो कुछ परेशानी सी, इस वजह तो मैं घरेलू कोई भी व्लॉग ना शूट कर रही सी, ना तुहाडे नाल शेयर कर रही सी अपलोड करके। तो अज काफ़ी अरसे बाद मैं घर तो व्लॉग स्टार्ट लिया है एक नवें सिरे तो। जिमें कल वाले ब्लॉग में क्या कि मैं यूट्यूब चैनल छड़ रही हाँ या इस तरह का, मेरे जिस तरह कल वाले ब्लॉग से थंबनेल लगे हुआ सी। तो पहला मेरा पक्का इरादा बन गया सी आज सुबह तक भी कि मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करना, मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी, बस मैं चैनल नूं बंद कर देना। लेकिन हुण फिर बस अब्बू ने भी भाई ने सारे ने कहा कि नहीं इस तरह कुछ नहीं करना, ज़रा इन्ना अगे आके चैनल मोनीटाइज इतना औखा करके ते सारा कुछ कर करा के तो हूँ तू पिछा हटनी है, चंगी गल नहीं है। जो मालिक ने चाह उदों ये सही डगर दे भी चलन लग जाएगा। जिस तरह कि मैं चाहनी है कि मेरा चैनल इस तरह ग्रूम होवे या इस तरह चले, तो उन्हें सारे ने जोर पाया कि नहीं तू बना बना वीडियो इस तरह ना छड़। तो वरना मेरा पक्का इरादा बन चुका सी कि मैं कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड करना। खैर जहर हूँ अबू वड्डे भाई का भी इन्ना वो लग्या टाइम लग्या कि उन्हें मेरे ना चैनल भी सपोर्ट कराई, तो फिर मैं दोबारा हूँ चैनल पर दोबारा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रिज मैं इस गलों खा रही कि जिमें कि तुम पहले मेरे व्लॉग्स देखते पे सी कि मैं मेरा फ्रिज खराब हो गया, जिस तरह पहले किचन गिर गया बाद फ्रिज खराब हो गया, यानी कि पै दर पै परेशानियाँ आ ही रही हैं। लेकिन अल्लाह पाक जो के नाल है कि उन्हें परेशानियाँ दी हैं तो उ हल करे, तो सानू उम्मीद का दामन नहीं छड़ना चाहिए। बस इंसान कभी कभी वो हो जाता है। तो हम पहले साढ़ा इरादा बना सी कि असं फ्रिज नू ना बेच देने ताकि फ्रिज का जितने पैसे लग रहे हैं ना वो भी इस टाइम है नहीं साढ़े को, ताकि असी फ्रिज बस बेच के जान छुड़ाने, जिस तरह भी औखा सौखा सरेगा तो बस सार लाँगे। ये मैं पंजाबी तुम दस्या उर्दू च दसा, तो यह है कि जिस तरह भी गुजारा होएगा कर लाँगे बस फ्रिज तो बगैर। लेकिन फिर यह सोचा कि जिस तरह अबू की इंसुलिन होंगी है तो वह फिर नहीं सैट हो सकती सी बगैर फ्रिज तो। फिर चाचू और जरा फ्रिज वो समान बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम चाचू और दो फैमलिया ने, वे चाचू की भी तो छोटे की भी, तो फिर उन्होंने अपना बिल्कुल छोटा जहा फ्रीजर है, तो उन्होंने अपना गुजारा बड़ा मुश्किल ना हो रहा उस फ्रिज के। फिर साढ़ा समान जहर दुध हो गया, इंसुलिन हो गई, सालन जिस तरह रात बनाने तो सुबह वास्ते रख दें, वो तो काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि नहीं सी सर रही साड़ी फ्रिज तो बगैर। फिर असी इस वाले फ्रिज में अज बन वास्ते भेजे ताकि वह बन के आ जाए। तो अज का दिन किस तरह लगेगा फ्रिज तो बगैर, तो अज असी किसी फैमिली मैंबर नूं मिलन जाना है, असी कल आवांगे उतों, तो उदों तक फ्रिज भी तैयार होकर आ जाएगा। देखो हुण किन्ने पैसे लगते हैं फ्रिज के उत्ते, क्योंकि हजे तक फ्रिज बनाने वाले ने कोई वो सानू नहीं दस्या, अल्टीमेट नहीं दस्या कि किन्ने फ्रिज बन जाएगा, तो देखो हुण की हुंदा है। चलो जी, वो तो फ्रिज जो बन के आएगा उदों ही पता चलेगा। बाकी तुहाडे नाल घर की रूटीन शेयर करने हैं, तो देखो अज सारा दिन असं की कर इस जगह। तो जो मैं अखबार विछाया से वह भी मैं अज इतों निकाल दिते है, ये तो मैं ए वाली शीट विछाई है, ये काफ़ी प्यारी भी लग रही है। देखो अगे तक बिल्कुल ये विछाई है, तो बाकी बर्तन शर्तन सारे इतने सैट कर दिते है, देख सकते हो प्यारी लग रही है वैसे ए वाली शीट। सुबह तो बस अस इन्ह कमां च मसरूफ से नाश्ता वगैरह करके, तो बस बाकी कमरे वगैरह की सफाइया की, बाहर की सफाई की, सुबह सुबह आँधी बहुत तेज सी। तो देखो फिर फर्श की उही हालत हो गई है जिम्मे कि तुम बाहर भी देख सकते हो। खाना असी सुबह नाश्ता किया, उस बाद कोई चीज़ भी नहीं खाधी पीती है, सारा समान इतने अबू इतने नज़दीक किधरे गए हुए हैं। तो जो कि पहले तुम्हें मैं दसा कि फ्रिज साड़ा खराब सी, तो उन्होंने असी बन वास्ते भेजा है। देखो हूँ कदों की करांदा बन के बड़ा औखा हो जाने के भेजे, क्योंकि पैसों का हजे कोई भी इंतजाम नहीं सी हो रहा, इस लिए फिर जरूरत भी सी फ्रिज की कि फ्रिज बिल्कुल काम करना छड़ गया सी। तो बाकी सारा हालात घर के
मौसम इस टाइम बहुत ही गर्म है। फ्रिज की जी उपर वाली उपर वाली कहने जो नीचे वाला फ्रेम से वो असं इतने रखे, मैं धो के बल्कि उन्होंने सीधा भी कर दिया। उस टाइम सुबह धुप लगवाने वास्ते ना मैं इस फ्रेम धो के इतने रखा सी, हूँ इन इस जगह धुप्पे रख देने। आवाज़ देखो कि कटाहती आई, मैं इन्ने जोर ना रखे। ये देखो इस पौधे की छां देखो कि घनी आ, कि दरम्यान च कोई भी इस तरह का वो नहीं है कि किधरों भी नज़र आए धुप छुप या कुछ भी इस तरह का। बहुत घनी छां माशाल्लाह इस पौधे की। ये देखो उपरों तो लग रहा है उपर देखने नाल तो कि छां इस तरह की आ, लेकिन नीचे देख सकते हो किधरे भी इन गैप नहीं है पत्तियां दे विच ना। तो उपर जाके जिस तरह है तो है, इतों घर कुछ इस तरह का लग रहा, सोलर भी चल रहा। तकरीबन टाइम तकरीबन डेढ़ दो का होया खड़ा होना है। देखो बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ कल मैं ही ब्लॉग बना रही हूँ, या परिंदियां दे चहचहाण की आवाज़ आ रही, या हल्की हल्की हवा चल रही है बस। वापस चलते हैं अंदर, ये वाला समान भी चुकते हैं इतों। ये वाला अबू का दवाइया वाला शॉपर, क्योंकि शॉपर ना हर दफा फट जाते सी, तो फिर मैं सोचा कि इस तरह का कुछ बनाया जाए। ये देखो कल मैंने ना सारा दिन जिप लगाई है बैठ के, तो सारा सिलाई किया, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। जिस तरह साढ़े तकियों का कवर है ना, उस तरह का ही मैं इनू कर दिता। अबू का मोबाइल भी इतने आ गया, वो मेरी इनो का साशे पे पीन लगी हाँ। इनो चार्जर भी इतने रखते, पानी अंदर लैके आने, तो एक दो तकिया लैके आने अंदर, तकिए सारी बार तकरीबन। देखो चलो इन इतने रहन देने, सिर्फ इन लै जाने। बाकी किचन की कुछ इस तरह की सूरत हाल है। सारे सुबह का नाश्ता किया, हजे होर कोई चीज़ भी नहीं खाधी पीती। फिर सालन मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फ्रिज तो है नहीं, जरा सालन बनावेंगे तो चलो फ्रिज च रख देंगे। वैसे भी बड़ा मसला हो रहा फ्रिज तो बगैर। देखो तकिया तो ऐ वाला जरा है ना सेम सेम हो गया, ये इस तरह भी देखो सेम सेम। ये इस गलों मैं घर बनाया, शॉपर वगैरह का मैं पहले जिक्र जमें कर रही थी कि शॉपर फट जाते हैं, अबू की फाइल आ मेडिसिन आ डॉक्टर वाली फाइल्स आ, क्योंकि अबू अक्सर मुल्तान जाते हैं, फिर अबू डॉक्टर ने चैकअप वगैरह कराना पैंता, तो ये अबू द सारिया चीज़ा होंदिया ने। फिर कोई भी चीज़ अबू घर नहीं भूल के जाते, यानी कि जितने भी अबू की बीमारी के रिलेटिड चीज़ा होंदिया ना सारिया होंदिया ने। इस गलों अबू कोई भी चीज़ घर नहीं भूल के जा सकते, ये इसलिए बनाया मैं। फ्रिज का एक दफा अस चार्जर मैं इस जगह तो लटका लगी हाँ, ताकि ना स्विच के कोल ही चार्जर हो पता चल जाए। तो बाकी अबू तो यह वाला थैला इन्ह की चार पाई तो कर देंगे। चलो जी हूँ रह गया माइक, क्योंकि इतने बैठ के मैं मोबाइल से ना माइक ला के एडिटिंग करनी है अपने ब्लॉग की, तो नाल मैं इतों ऑयल लैन आई हाँ कि हल्का जहा बालों ऑयल ला लव। तो इतों चुकनी है जी ब्रश, हेयर ब्रश ए वाला। तो टाइम देख सकते हो तुम, 1:25 हो गए। तो यह देखो फ्रिज ना होने की वजह तो ना तकरीबन फ्रिज सालन शालन इतने पे पता है, खराब भी ना हो जाए कोई पता नहीं इन्हों का। आप पापे शापे बिस्कुट वगैरह भी इतने पे है। पहले मैं अपने ऑयल लगानी हूँ वालों, बल्कि सब तो पहले ना लाइट तो है नहीं, देख सकते जो कि पखा भी बंद है, तो इतों बटन भी छड़े खड़ा। पहले मेरे ना पेट का कोई मसला बन रहा, पहले मैं इनो पी लूँ, इनो फ्रूट साल्ट लेमन फ्लेवर च ना, यह पहले पीने तो फिर मिलते हैं तेरे। उम्मीद करने तुम्हें मेरा अज्ज का ब्लॉग पसंद आएगा, इस नाल चैनल लाइक करो शेयर करो तो सबसक्राइब करो। मिलते हैं किसी नवे ब्लॉग नाल, उदों तक जी अल्लाह हाफिज़।